गहलोत ने क्यों लिया सबसे बड़ा राजनीतिक खतरा, जहां पार्टी कमजोर वहां भी नए जिले, 2023 में सीएम फेस को लेकर संकेत साफ। राजस्थान में शुक्रवार शाम को आंधी और बारिश के साथ सियासी मौसम भी बदल गया। एक साथ 19 जिलों की घोषणा ने प्रदेश में सियासी तूफान ला दिया। हर किसी का सवाल था, क्या ये सच है? आजादी के बाद पहली बार एक साथ 19 नए जिलों की घोषणा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। चुनावी साल में गहलोत ने सरकार के पक्ष में माहौल बनाने के लिए जिस तरह से बजट को 3 बार बुनाने की कोशिश की, ये उनकी लंबी प्लानिंग का हिस्सा है। अगर कोई साधारण सा प्रश्न पूछे कि बजट कितनी बार पेश होता है, जवाब होगा कि 1 बार, लेकिन गहलोत ने बजट को 3 बार अवसर में बदला। पहला जब बजट पेश किया गया, दूसरा बजट रिप्लाई और तीसरा वित्त और विनियोग विधेयक अप्रोप्रिएशन बिल के जवाब में। तीनों बार बड़ी घोषणाएं करके गहलोत ने सबको चौंका दिया। आमतौर पर बजट के दिन ही सरकार बड़ी घोषणाएं करती है, लेकिन इस बार राजस्थान में तीनों बार बड़ी घोषणाएं की गई। पिछले साल बजट में ओल्ड पेंशन की घोषणा जिस तरह अविश्वसनीय थी, इसी तरह इस बार 19 जिलों की घोषणा। चुनावी साल में सभी सरकारें लोक लुभावन बजट पेश करती हैं, लेकिन इस बार बचत, राहत और बढ़त के साथ मन भावन बजट की जो थीम गहलोत ने तैयार की, उसने विपक्ष को चुप कर दिया। विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं बचा है। हालांकि यह भी सच है कि बजट को धरातल पर उतारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बेहद कम समय बचा है। एक साथ 19 जिलों की घोषणा के क्या मायने हैं? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिछले 4.25 साल के कार्यकाल को देखें तो उन्होंने हर बार बजट में चौंकाया है। आजादी के समय राजस्थान में 26 जिले थे, जो कि अब 33 हो गए हैं। नए जिलों की घोषणा करना सभी पार्टियां खतरा मानती हैं, लेकिन ये रिस्क गहलोत ने लिया है। उन्होंने 19 नए जिलों के जिस तरह से समीकरण बनाए, उससे कांग्रेस गहलोत है तो मुमकिन है कि तरह इसे पेश करेगी। गहलोत ने राजनीतिक समर्थकों के साथ विरोधियों को भी साधा है। पार्टी जहां कमजोर है, वहां भी जिलों की घोषणा की गई है। ब्यावर में लंबे समय से कांग्रेस नहीं जीत रही है। भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत पैदल यात्रा निकाल चुके हैं। भाजपा राज में भले जिला नहीं बना, लेकिन गहलोत सरकार में जिला बनना कांग्रेस बनाएगी। पाली, जालौर और सिरोही में भी पार्टी बेहद कमजोर है। पाली को संभाग मुख्यालय बनाना और सांचौर को जिला बनाना भी इसकी ही कोशिश है। फलोदी, बालोतरा को भी जिला बनाकर गहलोत ने जननायक की अपनी छवि को मजबूत करने की कोशिश की है। बजट पास होने वाले दिन जिलों की घोषणा से विपक्ष को निरुत्तर कर दिया है। भाजपा के पास फिलहाल इसकी काट नहीं है। चुनाव में 8 महीने का समय बचा है। क्या गहलोत राज में जिले बन जाएंगे या कोई खतरा है? कोई खतरा नहीं है। गहलोत ने बजट में इसके लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया है। ऐसे में जिले बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कांग्रेस इसका क्रेडिट ले लेगी। हालांकि प्रशासनिक प्रक्रिया में समय लगता है।